अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपको और आपके घर वालों को खुश रखे। प्यारे नाज़रीन, क्या शहर की हर मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठना ज़रूरी है, या फिर शहर की तमाम मस्जिदों में से किसी भी एक मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठ जाया जाए या एतिकाफ़ कर लिया जाए तो क्या पूरे शहर के लोग बरीउज़ ज़िम्मा हो जाएंगे? आज इन सवालों के जवाब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। प्यारे नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। प्यारे नाज़रीन, शहर में एक से ज़्यादा मस्जिदें हैं या कई मस्जिदें हैं तो शहर की मस्जिदों में से किसी भी एक मस्जिद में अगर कोई शख्स एतिकाफ़ में बैठ जाता है या एतिकाफ़ कर लेता है तो फिर तमाम शहर वाले बरीउज़ ज़िम्मा हो जाएंगे, और अगर कोई भी एतिकाफ़ में ना बैठा तो तमाम शहर वालों से मुतालबा होगा। बाहर शरीयत में है कि एतिकाफ़ सुन्नत मौकदा है और हर मस्जिद में एतिकाफ़ करना सही है। शहरों की मस्जिद में अगर एक से ज़्यादा मस्जिद हैं और सिर्फ एक मस्जिद में एतिकाफ़ कर लिया तो तमाम शहर के लोग या शहर के तमाम लोग बरीउज़ ज़िम्मा हो जाएंगे, और ये एतिकाफ़ जो कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में होता है ये सुन्नत किफ़ाया भी कहलाता है, यानी कि किसी एक ने अदा कर लिया तो सब बरीउज़ ज़िम्मा हो जाएंगे। अगर किसी ने भी एतिकाफ़ ना किया तो फिर तमाम से मुतालबा होगा। तो प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये तमाम मसाइल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि एतिकाफ़ की ये तमाम मसाइल हर कोई जान सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।